कक्षा 7 विषय विज्ञान। कल हमने इस पाठ के प्रश्न 11 तक करे थे। आज है प्रश्न नंबर 12। चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो हमें पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, उसमें हमें नाम लिखने हैं, नामांकित करना है, नाम लिखने हैं। तो देखो, यहाँ से भोजन नली ग्रसनी से होता हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से ये पतली संरचना क्या है हमें इसका, ग्रसिका। ग्रसिका आगे जाकर किस में खुलती है, आमाशय में, जो हमारा पेट, हमारे जिसे हम बोलते हैं जठर बोलते हैं जिसे हम, ये हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या है इसका, ये आमाशय में खुलता है। आमाशय जाकर के यहाँ पर, यहाँ से तो अग्नि है, ये क्या है ग्रहणी, ये हमारी क्या है ग्रहणी है। ग्रहणी में यहाँ से अग्नाशय से नामक संरचना होती है, जिससे अग्नाशय रस आकर के भोजन के अंदर मिल जाता है। इसी प्रकार यहाँ ये संरचना है हमारी यकृत या लीवर है, जिससे कि पित्त रस आकर के भोजन के अंदर मिल जाता है। यह ग्रहणी अंदर जाकर छोटी आंत में खुलती, जो कि कुंडली संरचना है, इसकी लंबाई करीब 6-7 मीटर तक होती है। तो ये है क्षुद्रांत्र, ये क्षुद्रांत्र या फिर छोटी आंत है। इसके बाहर इस तरफ होती है बृहदान्त्र या बड़ी आंत। छोटी आंत में जैसे दीर्घ रोम पाए जाते हैं, संरचना दीर्घ रोम होती है, रसांकुर होते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत के द्वारा बृहदान्त्र या बड़ी आंत में जाता है, ये बृहदान्त्र या बड़ी आंत है, यहाँ जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण किया कर लिया जाता है। बृहदान्त्र से भोजन जो अपचा भोजन है वो मलाशय में जाता है, और मलाशय से गुदा द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो हाँ, हमारे पाचन तंत्र के यहाँ पर अंग जो है ग्रसिका, फूला हुआ भाग आमाशय, यकृत या लीवर, ये अग्नाशय, ये वाली बृहदान्त्र या बड़ी आंत, अंदर क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, मलाशय और नीचे गुदा। तो ये मानव पाचन तंत्र के कुछ भाग हैं जो हमने अध्ययन किए। प्रश्न नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। इसने कहा है, क्या हम केवल हरी सब्जियां खाएं या घास को सादी खाएं तो हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन करके जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन के निर्वाह हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सभी प्रोटीन, वसा, जैसे वसा हो गई, विटामिन हो गई, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास से भोजन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन के निर्वाह हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि सभी की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।